हेलो बच्चों बच्चों, आज हम स्टार्ट करें अपना चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में मैं आपको जो लास्ट लेक्चर में जो डिस्कस किया था वो मैंने आपको मॉलिक्यूलरिटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट कॉन्स्टेंट, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ। तो जो बच्चे आज हमें डिस्कस करना है, जो आज डिस्कस करना है वो हमारा टॉपिक क्या है, मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, कि हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं ये हमें कैलकुलेट करना है, या ये हमें मेथड सीखने कौन कौन से। तो बच्चे याद रखो, इसमें टोटल 4 मेथड होते हैं। 4 मेथड होते हैं। कौन कौन से 4 मेथड होते हैं? एक पहला होता है बच्चे ग्राफ मेथड, सेकंड होता है बच्चे, सेकंड का नाम है ओस्टरवाल्ड, आइसोलेटेड मेथड। जो थर्ड है इसका नाम है बच्चे इनिशियल रेट मेथड। एक आता है फोर्थ, वो है इंटीग्रेटेड रेट। ये बच्चे आपके 4 मेथड होते हैं। अगर मैं आपकी बुक की बात करता हूँ, बुक की में आपको सिर्फ यही मिलेगा इंटीग्रेटेड रेट मेथड, ना ये दिया होता है, ना ये दिया होता है, ना ये दिया होता है। बट आपसे वो इसी के साथ वो ग्राफ पूछ लेता है। एक ग्राफ मेथड अलग भी होता है, तो मैं सारी चीज़ आपको डिस्कस कर देता हूँ। मैं आपको चारों के चारों डिस्कस करूँगा। आपको बोर्ड के सिलेबस में ही है और कम्पिटिटिव में तो सारे के सारे ही आते हैं, तो मैं इसलिए आपके चारों मेथड यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। इसके अलावा एक मेथड और डिस्कस करूँगा, जो पांचवा मेथड रहेगा। ये मेथड रहेगा आपका जिसे हम बोलते हैं जुगाड़ मेथड। एक वो भी बताऊंगा जुगाड़ मेथड है जिसे हम बोलते हैं ट्रिक। सारों से सिंपल कि ये तो हो गया आपके बुक वाले, कि हम बिना बुक के हम कैसे चेक कर सकते हैं कौन सा ऑर्डर क्या है, कौन सी क्या है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं फर्स्ट ग्राफ मेथड। तो बच्चे ग्राफ मेथड में क्या रहता है, जो ग्राफ मेथड है ये सारा सिंपल मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं, ग्राफ बन प्लॉट करते हैं, किस किस में, कंसंट्रेशन वर्सेस, इसमें हम प्लॉट ग्राफ करते हैं कि क्या होगा एंड रेट वर्सेस इसमें क्या करते हैं कि टाइम के साथ रेट क्या होगी। ये चीजें जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे ये अगर हम बात करते हैं जीरो ऑर्डर, यानी कि अगर हम बात करूँ यहाँ पर, या मैं इसको नीचे ही प्लॉट कर देता हूँ, यहाँ नहीं करता। जैसे अगर हम बात करूँ जीरो ऑर्डर, तो बच्चे जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या था, यानी कि जो रेट है वो इसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करती, यानी कि वो रेट यानी कि कंसंट्रेशन से जाते फ्री। तो बच्चे जब मैं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का बनाता हूं, टाइम पे डिपेंड करेगा ही नहीं, क्योंकि कंसंट्रेशन तो फ्री है। अगर मैं कंसंट्रेशन बढ़ाता हूँ क्या कोई टाइम पे इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि कंसंट्रेशन बढ़ा रहे क्या कुछ इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। जैसे ये तो है, अगर कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो हाफ लाइफ बैंड जो टोटल टाइम बढ़ेगा बट उसकी रेट नहीं बढ़ेगी। या मैं इसको टाइम को रिलेट करूँ तो टाइम का रिलेट क्या रहेगा, देखो जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगी टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। एक आपका ये रहेगा, ठीक है। अगर मैं दूसरे की बात करता हूँ, लाइक ये रेट वर्सेस टाइम, अगला हुआ रेट वर्सेस टाइम। अब बच्चे रेट वर्सेस टाइम की बात करें कि टाइम के साथ क्या रेट बढ़ेगी, क्योंकि ये क्या है, रेट इंडिपेंडेंट है।
यानी कि कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा। अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कम करेंगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो रेट है वो क्या रहेगी, इसकी रेट कॉन्स्टेंट रहेगी, यानी कि टाइम क्या हुआ, टाइम के साथ रेट क्या रहे, कॉन्स्टेंट। कंसंट्रेशन क्या भी बढ़ेगी, क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो टाइम भी क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ये हुआ आपका रेट वर्सेज टाइम। अगर एक और बनाना चाहिए, एक और कौन सा है बच्चे, लाइक कंसंट्रेशन वर्सेस रेट, चाहे हम इसको रेट को यहाँ लिख दें, कंसंट्रेशन को यहाँ लिख दें, जो आपको ठीक लगे, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं बात करता हूँ रेट, यहाँ लिख देता हूँ कंसंट्रेशन, तो बच्चे इसमें क्या होगा, देखो कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे क्या रेट पर फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा, रेट क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। तो बच्चे ये है आपका फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आपको ये ग्राफ दिया था, आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ कि कौन सा ग्राफ जीरो ऑर्डर के लिए है, क्योंकि तो जीरो ऑर्डर में रेट के साथ टाइम का कोई फर्क नहीं पड़ता। कंसंट्रेशन बढ़ाओ, रेट तो क्या है, कॉन्स्टेंट ही है, रेट कॉन्स्टेंट है। अगर कंसंट्रेशन और टाइम दिया हुआ है, जैसे अगर हमने कंसंट्रेशन बढ़ा दी, अब जैसे मैं बात करूँ, अगर इसमें 100 मॉलिक्यूल हैं, ये 10 मिनट ले रहे हैं, बच्चे ये आपका एक डायरेक्ट मेथड है, मैं आज भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। जैसे ये 100 मॉलिक्यूल 10 मिनट ले रहे हैं, अगर मैं ये 200 कर दूंगा तो कितना लेंगे, 20 मिनट लेंगे, टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं, ये आपका जो डायरेक्ट मैथड है, मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा, क्योंकि आपकी बुक में ऐसे दिए रहते हैं, तो बेटर हम अगर जो आपकी थ्योरीज के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कर लेते हैं। तो ये हो गया बच्चे इस टाइप से, ठीक है। आपको अगर ऐसे ग्राफ दिए हों तो हम कैसे करेंगे। अब चलते हैं अगले पे, अगर बच्चे यहां मैं बात कर लेता हूं फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर में क्या होगा, अब वही बनाए, ये लगा लो कंसंट्रेशन और ये क्या है टाइम। अब बच्चे फर्स्ट ऑर्डर में क्या था, जो रेट है एक पे डिपेंड करेगी, यानी कि जैसे हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे वैसे रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे रेट बढ़ेगी, तो ये होगा, एक हम रेट वाला बना देते हैं, ये है लाइक रेट वर्सेस, या रेट वर्सेस कंसंट्रेशन लिख देते हैं, एक ये हो जाएगा, एक तीसरा बना देते हैं लाइक रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। अब देखो अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो रेट भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो क्या हुआ, कंसंट्रेशन बढ़ रही है और रेट भी बढ़ रही है, ये चीज समझ आ गई, दोनों क्या है, बढ़ रहे हैं। अगर यहां मैं बात करूं, जब बच्चे रेट बढ़ेगा तो टाइम क्या होगा, जैसे रेट बढ़ेगा तो टाइम कंज्यूम क्या हो जाएगा, कम। जैसे कंसंट्रेशन बढ़ी, रेट बढ़ेगा तो टाइम क्या हो जाएगा, कम। तो रेट के साथ, जैसे अगर रेट बढ़ेगी तो टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जैसे टाइम रेट बढ़ रही हो, टाइम क्या हो रहा है, कम। तो ये ग्राफ कैसे जाएगा, इस टाइप से, जैसे जैसे ये रेट अगर इंक्रीज हो रही है, यानी कि या मैं ऐसे बात करूं, या देखो हमें क्या उल्टा ग्राफ बनाना है, या इसको मैं अगर यहां चेंज कर देता हूं, लाइक यहां मैं टाइम कर देता हूं, यहां मैं कर देता हूं, यानी कि रेट बढ़ रही है और टाइम क्या हो रहा है, कम। तो इसको मैं कुछ इस टाइप का कर सकता हूं, रेट बढ़ रही है, चाहे हम इसको कुछ ऐसे करें, ये देखो, या हम बेटर है हम इसको ऐसे ही करें, यहाँ पर क्या है, रेट बढ़ रही है और यहाँ पर टाइम क्या हो रहा है, कम बढ़ रहा है, क्योंकि रेट क्या बढ़ रही है, ज़्यादा। तो इसका ग्राफ ये होगा। अगर यहाँ मैं बात करूँ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, अगर कंसंट्रेशन बढ़ा दिया तो रेट बढ़ गई, तो टाइम कंज्यूम क्या करेगा, कम करेगा, इस टाइप से। जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो टाइम क्या होगा, कम। तो अगर इसमें हम बनाना चाहें तो आपका वो वाला ग्राफ भी काम दे जाएगा जो ऊपर वाला था। अगर मैं इसको ये यहाँ बात करूँ तो लाइक टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन,
यानी कि जैसे कंसंट्रेशन बढ़ी तो वैसे टाइम क्या होता गया, कम होता गया, ठीक है। ये आपका किसका है, फर्स्ट ऑर्डर का। अब बच्चे चले आगे, अब बच्चे जब सेकंड ऑर्डर की बात करें तो सेकंड ऑर्डर आपके सिलेबस में नहीं है, जैसा आपका फर्स्ट ऑर्डर का है ऑलमोस्ट वैसे किसका होता है, सेकंड ऑर्डर का। तो बच्चे ये जो आपका मेथड है ग्राम मेथड, इसके बाद जो सेकंड मेथड आता है वो कौन सा था, ओस्टवाल्ड आइसोलेटेड। तो बच्चे देखो इसमें क्या करते हैं, कहते हैं जब क्या हो मोर देन वन रिएक्टेंट, यानी कि जहां रिएक्टेंट कम ज्यादा हो, जनरली कितने होते हैं, थ्री टू मोर रिएक्टेंट स्पीसीज। जब बोल मतलब तीन चार स्पीसीज रिएक्टेंट की हैं, जैसे लाइक ए बी सी कुछ ये मिलकर लाइक ई प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो बच्चे अब हमें ऑर्डर ऑफ मेथड निकालना हो तो हम क्या करते हैं, कहते हैं अगर हमें जिसकी निकालनी हो, जैसा मान लो लाइक बी का ऑर्डर निकालना है, इसका हमें ऑर्डर क्या करना है, कैलकुलेट करना है। कहते हैं जो बाकी बचे हुए हैं लाइक ए सी डी, इसको हम बच्चे क्या ले लेते हैं, एक्सेस में। इसको क्या ले लेंगे, एक्सेस में। यानी कि जो आपका ऑर्डर है वो किस पे डिपेंड करे, कंसंट्रेशन पे करेगा। अगर वो कंसंट्रेशन कम है तो वैलिड होगा, अगर एक्सेस में हो जाए तो उसका रोल ही नहीं रहेगा। तो बच्चे तीन क्या हो जाते हैं, एक्सेस में। ये एक्सेस होने के बाद हम ये चेक करेंगे कि अगर इसकी हम कंसंट्रेशन बढ़ाएं क्या कोई रेट पे इफेक्ट पड़ेगा, या इसकी हम कंसंट्रेशन डिक्रीज करें क्या कोई रेट पे इफेक्ट पड़ेगा। तो बच्चे ये जो मेथड है इसे हम क्या कहते हैं, ओस्टवाल्ड आइसोलेटेड मेथड। अब बच्चे जो नेक्स्ट मेथड है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।